कश्मीर में आज फिर मातम पसरा है। कश्मीर को आज फिर मातम के बादलों ने घेर लिया है। कश्मीर में इस बार मातम हो रहा है मसरूर अली वानी का। इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी, जिनको 29 अक्टूबर 2023 को एक ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए गोली मारी गई। बहरहाल, आप कश्मीर को लैंड ऑफ सूफीज, लैंड ऑफ चिनार, मिनी स्विट्ज़रलैंड अलग अलग नामों से जानते हैं और आपको अलग अलग इंट्रोडक्शंस कश्मीर के देखने को मिल रहे हैं। और आज तो कश्मीर के हवाले से एक रैप भी मैं सुन रहा हूं, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ट्विटर पे देखिए, नेशनल मीडिया पे देखिए, न्यूज़ चैनल्स पे देखिए, जिस रैप के अंदर ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में अब कोई किसी को गोली नहीं मारता, कश्मीर में अब कोई आतंकवाद नहीं है, कश्मीर में अब लड़कियां जो चाहे पहन सकती हैं, कश्मीर में बहुत अमन है, टूरिस्ट हर तरफ है। तो ये नैरेटिव जब आपको दिखाया और आपको परोसा जाता है तो आप यकीनन इसी को कंज्यूम करते हैं। पर मेरी नज़र में, मैं उन लोगों से एक बार फिर रिव्यू करने को कहूँगा कि आप इसको लैंड ऑफ मॉर्नर्स का टाइटल भी दे दीजिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ आए दिन मातम होता है उस तरह से इसको ये टाइटल देना बनता है, ज़रूर बनता है। वो रैप सॉन्ग्स तो हम समझते हैं, जिन लोगों ने लिखे, गाए, बनाए, हम उनकी कदर करते हैं, आपकी आर्ट की कदर करते हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो यकीनन आप किसी गफलत का शिकार हैं या फिर किसी नफरत या प्रोपोगंडा का शिकार हैं। क्योंकि कश्मीर के हवाले से अगर आप देखेंगे, इस मसरूर अली वानी के मामले में आपको बताता चलूं, जो मेरी स्क्रीन पे तस्वीरें आपको नज़र आ रही होगी, ये मॉर्निंग आप सब ने देखी होगी, ये मातम आप सब देख रहे होंगे, ये लाश आप इनके घर पे पहुंचते आप सब देख रहे होंगे। इन तस्वीरों को लोकल मीडिया बहुत पब्लिश कर रहा है, इन विजुअल्स को लोकल मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। और मसरूर अली वानी की कहानी यह है कि जिस दिन 29 अक्टूबर 2023 को इनको गोली मारी गई, उसके दो दिन पहले उस वक्त के DGP दिलबाग सिंह का एक बयान पब्लिक में आया था, और पब्लिक में उन्होंने ये कहा था कि अब सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो बहुत बेहतर हो चुका है, अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, अब किसी को परवाह करने की ज़रूरत नहीं, कश्मीर के हालात बहुत नॉर्मल हैं, बहुत सामान्य हैं। लेकिन उसके दो दिन बाद इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी को एक मैदान में क्रिकेट खेलते हुए एक नामालूम शख्स ने, किसी टेरर ग्रुप से एसोसिएशन रखने वाले शख्स ने गोली मारी, और तीन गोलियां मारी, एक इनकी आंख में, एक इनके गर्दन में और एक इनके एब्डोमेन में। हालांकि इन सब गोलियों के बाद भी बहुत बहादुरी से लड़े मसरूर अली वानी, लेकिन आखिर वो कल दम तोड़ बैठे। मसरूर अली वानी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करें तो अर्ली 30s में थे, अभी उनकी नई शादी थी और उनकी एक हामला बीवी पीछे छोड़ के गए हैं, प्रेग्नेंट बीवी पीछे छोड़ के गए हैं, उनकी औलाद अभी हुई नहीं, होने वाली है। अखबार की माने तो अभी तक जो है इनके मामले में यही रिपोर्ट सामने आई है कि आज इनकी बॉडी जो है वो घर पहुंचाई गई है, मैदान में खेलते हुए जब इनको गोली लगी थी। इससे पहले की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें और बात करें DSP हुमायूं की, बात करते हैं अनंतनाग के सेप्टेम्बर के एनकाउंटर की, आप बात कर लीजिए अनंतनाग के सेप्टेम्बर में हुए एनकाउंटर की, आप बात कर लीजिए DYSP हुमायूं, कर्नल मनप्रीत आपको याद होंगे, उसके बाद आपको शुभम गुप्ता अभी रजौरी के याद हैं आपको। इस साल सिर्फ रजौरी की अगर मैं बात कर लूँ तो 13 सिक्योरिटी पर्सनल सिर्फ इस साल, पिछले साल की छोड़ के कर रहा हूं, सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूं, 13 आर्मी के जवान शहीद हुए हैं। और 2018 में यही रजौरी पुंछ जो है मिलिटेंसी फ्री पीसफुल एरिया डिक्लेयर किया गया, और इसी एरिया में इस 2023 में अभी तक 13 सिक्योरिटी के जो हैं अहलकार वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा अगर आप मिलिटेंट्स की बात करें तो 22 उनका भी नंबर इस इलाके के अंदर, 2022 में इससे कई ज़्यादा आर्मी के जवान इस इलाके में शहीद हुए। ये वही इलाका है जहाँ डांगरी हुआ, डांगरी का वाक्य आपको याद है, जिस तरह से डांगरी में वो हैवानियत जहाँ एक परिवार के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अगर आप आमशीपुरा एनकाउंटर की बात करते हैं, जहाँ अबरार इम्तियाज़ और मोहम्मद अबरार जो थे उनको एक फेक एनकाउंटर में कुछ लोगों ने मार गिराया। आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती जब आप प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि साल 2022 में 30 सिविलियन किलिंग्स हुई कश्मीर के अंदर, टारगेट किलिंग हुई, बैंक मैनेजर, कश्मीरी पंडित, लेबर, हर तरह से आपको ये सब देखने को मिला। और जिस इलाके में ये सब हो रहा है उस इलाके की एप्रिसिएशन तारीफ में आप जो है पुल बांध रहे हैं, आप जो है हवलदार अब्दुल मजीद को भूल जाते हैं, आप इन सब कुर्बानियों को भूल जाते हैं, आप देखते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात बने हुए हैं। आप जम्मू प्रोविंस के अंदर देख लीजिए, जहां पर मिलिटेंसी फ्री जोन्स आपने बनाई थी, जहां पर पीसफुल एरियाज थे, वहां पर आपने मिलिटेंसी का रिवाइवल होते हुए देखा, और उसके बाद आप कहते हैं कि सब चंगा सी। आपने रजौरी पुंछ जो मिलिटेंसी फ्री जोन 18 में थी वो आप वापस रिवाइवल हुआ, एनकाउंटर जारी होते हैं आए दिन। आपको वो हादसा याद होगा जहाँ पर आपने एक जलता ट्रक देखा था, हमारे देश के जवानों पर हमला किया गया, उस जलते
चलते ट्रक में उनको झुलस के उनको मार दिया गया, आपको वो वाकया भी याद होगा। इसके अलावा आप जिस तरफ नजर घुमाएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि किस कदर अशांति है और किस तरह से एक डर का माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं, इलेक्टेड गवर्नेंस की कोई जगह नहीं, लेकिन उसके बाद भी यहां पर सिर्फ एडवर्टीजमेंट के जरिए, गानों के जरिए, फिल्मों के जरिए ये दिखाने जताने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलेसी है। अगर इसको नॉर्मलेसी कहते हैं तो ये नॉर्मलेसी आप ही को मुबारक, ऊपर वाला करे कि इस तरह की नॉर्मलेसी आपके अपने घरों में भी हो और आपको भी अंदाजा लग जाए कि क्या होती है नॉर्मलेसी और किस तरह से जीना पड़ता है डर और खौफ के माहौल में।